हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर मार्केट गिर गई, कैसे होंगे आप बताइए। देखिएगा, मार्केट का तो गिरने और चढ़ने का काम जो है वो जारी रहेगा। मैं आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर स्टॉक मार्केट का जो है एनालिसिस तो कर ही रहा हूँ, साथ में जो न्यूज फ्लोज के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन उससे खास बात जो मैं आज आपके साथ कह रहा हूँ कि कल मेरी जो यूट्यूब वीडियो थी तो उसमें कुछ कमेंट्स थे हमारे व्यूअर्स के कि उन लोगों ने जो है माना, और क्योंकि मैं एक दो व्यूअर्स की बात नहीं कर रहा तो काफी व्यूअर्स ने ही सवाल किया था कि सर फर्स्ट टाइम हमें ऐसा लग रहा था कि आप ना मार्केट में नेगेटिव बोल रहे थे, कि नेगेटिव लग रहा था। देखिएगा, मैं आपके साथ जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे लगा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आज आप देखिएगा कि वो जो गिरावट थी वो आज काफी ज्यादा थी। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है क्लोज हुआ 3.2। और जो चीजें मुझे दिख रही थी वही मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, और मैं अभी उन्हीं पहलुओं पर आपके साथ बात कर रहा हूँ। देखिएगा, कल क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में माइनस में हो गया, लेकिन मैंने जब वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो मैंने कैनेडियन क्रूड की बात की थी। लेकिन कल देखिएगा, जो WTI क्रूड और इवन इंडिया के अंदर भी जो प्राइस थे वो माइनस के अंदर ट्रेड कर रहे थे। तो सिंपल सी बात यह है कि जो माइनस के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस ट्रेड कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप तेल भी लेके जाइए और साथ में पैसे भी लेके जाइए। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा वर्स्ट के सिनेरियो हमने लाइफ में पहली बार देखा है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स जो है तेल फ्री में दे रहे हैं और उसके बदले में उठाने के पैसे भी दे रहे हैं। रीजंस बड़े सिंपल हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये क्या प्रॉब्लम है। देखिएगा, जहां पर वो ऑयल फील्ड्स हैं वहां पर उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर वो उसको बंद करेंगे तो उससे बेटर है कि वो सस्ते में उस माल को बेच दे। तो सिंपल सी बात यह है, तो उनके लिए जो फिजिबिलिटी है वो इस चीज में थी, इसलिए जो क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस थे वो उन्होंने देखिएगा माइनस में चले गए। और ये माइनस में जो गए थे ये WTI क्रूड के गए थे, ब्रेंट क्रूड के नहीं गए थे। और आज ब्रेंट क्रूड भी जो है करीबन 8-9% की गिरावट के साथ बाजार में ट्रेड कर रहा था। ये पहला इंडिकेटर है कि देखिएगा समस्या कितनी भयंकर जो है आपको नजर आ रही है, जिस वजह से मैं आपके साथ कल नेगेटिव साउंड कर रहा था। और मैं आपको इशारा ही कर रहा था कि जो है कल हमें शायद गिरावट देखी। और मैं तो पिछले जो है जब से रैली चल रही है 5-7 दिन से, ये जो बाउंस बैक है, तो मैंने आपको बोला कि जो है NBFC स्पेस और जो बैंकिंग स्पेस है ये तो बिल्कुल ही दूर रहने वाला जो स्पेस है आज की डेट बन गया। और आज आप देख भी रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा पिटाई कल हुई और आज जो गिरावट हुई, उन दोनों जो सेक्टर थे वो वास्तव में NBFC और फाइनेंस वाला सेक्टर ही यहाँ पर साबित हुआ। तो मैं आपके साथ जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो वास्तव में खुल के जो मुझे सही लगता है वो मैं आपके साथ बात करता हूँ। हो सकता है कि मैं हर बार ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे चीजें इस वीडियो के अंदर आगे भी शेयर करूंगा जिससे आपको कुछ और खुद पढ़ने का मन करेगा और फिर खुद आप खुद एक फर्दर एनालिसिस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में हो सकता है कि नए हो, उन्होंने ऐसा अनुभव ना किया हो। तो देखिएगा, मार्केट के अंदर कुछ सिनेरियोज जो है क्रिएट होते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, और वो अनसिस्टमेटिकल जो रिस्क है वो हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। उसी कड़ी के अंदर जो है ये COVID-19 की प्रॉब्लम है और पूरे वर्ल्ड को जो है इसने हिला दिया है। हालांकि अब इसका कितना पेन होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपना पर्सनली बता दूं कि मैं जो है अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं किसी भी तरीके की इस गिरावट के अंदर भी, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी ऊपर की तरफ है। क्योंकि COVID-19 से पहले जो प्रॉब्लम थी और जो COVID-19 की प्रॉब्लम के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अभी हमारे सामने आएंगी, जो हमें नहीं पता है धीरे धीरे करके। तो उन सब के पीछे हो सकता है कि कुछ शेयर अगर खरीदने भी, चाहे थोड़ा महंगा मिले लेकिन जब क्लियरिटी होगी तभी लेना मुझे ज्यादा लॉजिकल लगता है। और ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज देखिएगा, अगर पूरी मार्केट की बात करें आज हम, तो देखिएगा यहां पर जो ये आप सेंसेक्स में देखेंगे तो सेंसेक्स में गिरने बढ़ने वाले शेयर्स की बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल, और मैंने कल भी बात की थी कि भारतीय एयरटेल एक अकेला ऐसा सेक्टर है ये जो टेलीकॉम के अंदर कुछ ही प्लेयर्स रह गए, और जो दूसरा FMCG और तीसरा फार्मा यहीं पर जो है कुछ निकल कर आता है। तो तीन बढ़ने वाले शेयर्स में से एक FMCG शेयर है और दूसरा आप देखिएगा टेलीकॉम का प्लेयर है। हीरो मोटोकॉर्प काफी नीचे टूट गया था तो वहां से जो है
रिकवरी जो है थोड़ी सी आई और क्रूड ऑयल के रेट नीचे होने की वजह से भी, और दूसरा ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ी रिकवरी यहाँ पर जब COVID-19 की प्रॉब्लम खत्म होगी तो टू व्हीलर्स के जो डिमांड है वो शायद जनरेट करे। हालांकि मेरा मानना ऐसा नहीं है, कुछ प्राइस नीचे थे तो टेक्निकल बाउंस बैक भी माना जा सकता है यहाँ पर। और कम टूटने वाले शेयर हम जैसे आप सन फार्मा या एशियन पेंट्स देख रहे, तो ये ऐसे शेयर्स हैं जो वास्तव में ब्लू चिप्स शेयर्स तो हैं ही, लेकिन साथ में सेफ्टी भी जो है इन्वेस्टर्स को देते हैं। अगर अब हम इसके बाद अगर हम बात करें अगले उन शेयर्स की जिनके अंदर गिरावट थी, तो आप देखिएगा आज फिर इंडसइंड बैंक ने पूरा भरपूर साथ दिया मार्केट को गिरने में। इंडसइंड बैंक आज 12.3% जो है, ये एक बार तो 400 से नीचे भी ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था। दूसरा फिर देखिएगा NBFC फाइनेंस कंपनीज है 2098 बजाज फाइनेंस का शेयर। फिर देखिएगा तीसरी फिर फाइनेंस है बैंकिंग एंड फाइनेंस ICICI बैंक 331.5 ये एडजस्टेड फिगर है। जब ये शाम को क्लोज हुआ तो 328 के आसपास ट्रेड कर रहा था, हालांकि वो आधे घंटे की जो एडजस्टमेंट थी उसकी वजह से 331 आपको जो है नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक 420.9 एक्सिस बैंक देखिएगा, फिर आप देखिएगा बैंकिंग के अंदर 7.61। फिर देखिएगा टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स की एक्चुअली बैलेंस शीट लीवरेज है और अब COVID-19 की प्रॉब्लम इनको भी जो है फेस होती हुई नजर आ रही है। टाटा स्टील मेटल्स के अंदर जो है मंदी। फिर देखिएगा ऑटोमोबाइल्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो आप अगर ऊपर के टॉप शेयर्स देखेंगे जो सेंसेक्स के शेयर्स हैं उनमें भी जो गिरावट है उसके अंदर फाइनेंस जो है NBFC जो है वो लीड कर रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी पेन शायद अभी और बाकी है इस सेक्टर के अंदर। अब देखिएगा यहीं पर अगर हम बात करें, अब मैं नेक्स्ट निफ्टी 50 की बात करता हूं, जो 50 के बाद जो बाकी अच्छी कंपनियां हैं तो वहां पर देखिएगा अरविंदो फार्मा। फिर बता रहा हूं फार्मा के अंदर तेजी थी। पेज इंडस्ट्रीज जो है वास्तव में FMCG बोल सकते हैं, तो अंडर गारमेंट्स जो बनाती है कंपनी तो उसके अंदर है, और जो कि ब्रांड के नाम से आप लोग जो है यूज भी हो सकता करते हो। कैडिला हेल्थ के फिर देखिएगा फार्मा, जनरल इंश्योरेंस के अंदर फिर कोलगेट, फिर देखिएगा FMCG, डिवीजल फिर फार्मा, फिर देखिएगा बर्जर प्रिंट डोमेस्टिक यूज, तो इसी तरीके की कंपनी, उसके बाद डाबर, तो यही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो तीन सेक्टर के अंदर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा रिलीफ है, बाकी जगह आपको पेन नजर आ रहा है। और पेन देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट 50 मदरसन सुमी, लीवरेज्ड बैलेंस शीट, हाई वैल्यू ऑफ डेब्ट, और प्रॉब्लम देखिएगा यूरोप के अंदर भी है और इंडिया के अंदर भी है। बैलेंस शीट के अंदर बहुत बड़ा डेट है और इस डेट होने की वजह से देखिए कैसे संभालेगी अपने आप को देखने वाली बात होगी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देखिएगा इसके ऊपर, हालांकि UBS ने कहा था कि कम पेन होगा, लेकिन देखिएगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 14%। फिर फाइनेंस, फिर देखिएगा बंधन बैंक, फिर फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है बजाज ग्रुप के अंदर, फिर वही देखिएगा फाइनेंस, बोश ऑटोमोबाइल से संबंधित कंपनी, फिर 6% की गिरावट, HDFC AMC, फिर देखिएगा NBFC। हालांकि ये जो शेयर है मुझे हालांकि पसंद है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी जो है बहुत रनअप हो चुका है और मुझे अब लग रहा है कि अगर आगे चल के मंदी आएगी तो लोग जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी रिडेम्पशन जो है शुरू हो सकती है, तो वहां पर जो है इस तरीके की कंपनीज में प्रेशर बन सकता है, ये मैं अभी आपको आगाह कर रहा हूं। फिर देखिएगा IDBI बैंक, फिर उसके अंदर बैंकिंग एंड पिरामल एंटरप्राइज। तो मोस्टली जो शेयर्स हैं जिनके अंदर गिरावट है वो जहां भी बैलेंस शीट के अंदर डेट है, NBFCs है, बैंक है, इसका मतलब है गिरना निश्चित है। देखिएगा यही हो रहा है दो दिन से, हालांकि रिलीफ रैली जो थी उसके अंदर इन्होंने काफी रिकवरी की, बजाज फाइनेंस को छोड़ दे तो कुछ शेयर्स ने वो नीचे के प्राइस से जो है ऊपर भी मूव किया। अब देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ FIs डेटा की बात कर रहा हूँ, तो FIIs, FPI यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी, इन लोगों ने आज जो है देखिएगा आज की बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल की, तो 2095 करोड़ की सेल्स की है आज, काफी बड़ी मात्रा में सेल की है। DIs ने भी जो सेल की है 68.46 करोड़ की, दोनों के दोनों नेट सेलर्स थे आज। तो ये देखिएगा ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी जो है शायद पेन अभी और देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ देखिएगा अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ पिछले दो दिन के डेटा भी, अगर पिछले दो दिन के डेटा भी देखें मंडे 20 अप्रैल के भी, तो FIs ने कैश मार्केट में 265 करोड़ की सेल की थी, DIs ने कैश मार्केट में 788 करोड़ की सेल की थी। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हालांकि उन्होंने बाय किया था FIs ने, और बाकी जगह सभी जगह देखिए FIs की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर भी सेल थी, FIs की स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी सेल थी, तो नेट सेलर थे आप देखिएगा इसी तरीके से। और कल भी जो है DIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी, और 17 अप्रैल की बात करें यानी कि फ्राइडे की, तो वहां पर FIs की सेलिंग थी, DIs ने बाय किया था, और बाकी नेट सेलर्स स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी जबरदस्त सेल थी उनकी।
तो आप समझिएगा मार्केट आपको क्या इंडिकेट करके दे रही है, आप खुद समझिएगा इसको कि कहां पर किस तरीके की जो है घटनाएं जो है मार्केट के अंदर हो रही है। इसके बाद देखिएगा मैं आपको बताता हूं, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये अजय श्रीवास्तव जी हैं डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के, और ये क्या बोलते हैं ना आपको बात समझ में आएगी जो मैं आपके साथ बात कर रहा था। आई वुड नॉट पुट ए पेनी मोर इन दिस स्टॉक मार्केट अजय श्रीवास्तव। और इसके अलावा जिम रोगर सेज ही इज बेटिंग ऑन एग्री कमोडिटीज, केवल एग्री कमोडिटीज पर वो बेट कर रहे हैं। और मैं भी आपके पिछले महीने से ही आपको बात बोल रहा हूँ कि मुझे भी जो है एग्री वाला जो सेक्टर है वो लगता है कि क्योंकि उसके बगैर जो है COVID-19 के बाद भी आप चल नहीं सकते, क्योंकि खाने पीने के लिए मैंने आपको बात भी की पिछली वीडियोज में, पेस्टिसाइड्स की बात की, सीड्स की बात की, या खाद बनाने वाली जो कंपनीज हैं, तो उस तरीके की जो कंपनीज, पर वहां पे कंपनी वाइज आपको जाके देखना पड़ेगा। अब देखिएगा जय श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं, आई एम बेटिंग ऑन कीपिंग माई मनी इन द बैंक एज सेफली एज आई कैन अदर देन वट एवर आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, जो मेरे पास इन्वेस्टेड है उसके अलावा मैं एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा। आई वुड नॉट पुट ए पेनी मोर इन द स्टॉक मार्केट, एक पैसा नहीं लगाने वाला। एंड आई टेल यू वाई, वन यू आर फ्लाइंग थ्रू द क्लाउड्स, You do not know where the visibility is. तो कहता आप बादलों से घिरे हो और आपको नहीं पता कि विजिबिलिटी आपको रोशनी कब मिलेगी। You might as well gambling with your money, which cannot since all the casinos are closed. तो देखिएगा सीधी सी बात क्या कि इतने बड़े जो इन्वेस्टर भी हैं, एनालिसिस्ट भी हैं, एडवाइज भी करते हैं, और आप ये समझ लीजिएगा कि उसके सीईओ हैं, तो अगर डाइमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ हैं यानी कि हेड हैं उसके, तो उनका क्या राय जो है यहाँ पर निकल कर आती है। आप अपनी राय जो है ले सकते हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ जिम रोगर्स की बात कर रहा हूँ, ये एक सिंगापुर बेस्ड जो है बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एनालिसिस्ट हैं, और एजुकेशन की फील्ड में भी ये काफ़ी जो है फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर भी इनका काफ़ी बड़ा बोलबाला है। अब ये क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिएगा, इनकी मैंने तीन न्यूज़ आपके साथ निकाली है। मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसर विल हैव सीरियस प्रॉब्लम, कहते हैं कि जितने ऑयल प्रोड्यूसर हैं उनको, बट रशिया नॉट मच, रशिया को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के जो रेट नीचे आए हैं वो आप देख सकते हैं, तो जिम रोगर्स भी इसकी तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जो ऑयल से रिलेटेड इंडिया में जो कंपनीज हैं, तो ONGC की बात करूं या इवन रिलायंस की बात करूं, तो आप यहां पे समझिएगा पेन इनकी तरफ भी हो सकता है। उसके बाद कहता है स्टॉक अप ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर द वायरस क्राइसिस इज ओवर, थिंग्स आर क्रश्ड राइट नाउ लाइक टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन, ये हम बात कर चुके हैं पहले भी, ये खत्म हो चुके हैं। जिम रोगर्स एक्सपेक्ट वर्स्ट बियर मार्केट इन माई लाइफ टाइम, ये बात मैं आपके साथ कह रहा हूं, सबसे खास बात जो मैं आपके साथ कह रहा हूं वो यही है। ये जिम रोगर्स क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्ट वर्स्ट बियर मार्केट इन माई लाइफ टाइम, और आप ये देखिएगा इनकी एज आपके सामने नजर आ रही होगी कि वो कह रहे हैं मेरी लाइफ की वर्स्ट बियर मार्केट मेरे सामने खड़ी है इन कमिंग ईयर्स, जो आने वाले साल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं आपके साथ बात कर रहा था उसके पीछे मैं आपको कुछ रीजंस दे रहा हूं। उसके बाद जो जिम रोगर्स कौन है ये आप पढ़ सकते हैं, जिम बियरलैंड रोगर्स इज एन अमेरिकन इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल कमेंटेटर बेस्ड इन सिंगापुर, कहां पर बेस्ड है, सिंगापुर, और अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं। रोगर्स इज द चेयरमैन ऑफ बीलैंड इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेटेड, ही वाज द को फाउंडर ऑफ द क्वांटम फंड एंड सोरोस फंड मैनेजमेंट, ही वाज ऑल्सो क्रिएटर ऑफ द रोगर्स इंटरनेशनल कमोडिटीज इंडेक्स। तो आपको इनके बारे में भी मैं बता दिया कि जो जिम रोगर्स हैं वो क्या करते हैं और किस तरीके के उनका जो है बाजार में नजरिया है। तो मैंने आपके साथ खुल के जो है एक इंफॉर्मेशन जो है शेयर की, एक वीडियो, अपना व्यू, कुछ और मार्केट के जो जानकार है उनका क्या व्यू है वो आपके साथ शेयर किया। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइए, खुल के मैंने आपके साथ बात की है तो मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने कमेंट्स करें, जिससे मुझे भी ये पता चले कि अगली बार जो है वीडियो आप में क्या चीज सुनना चाहते हैं या किन चीजों के बारे में पता लगाना चाह रहे हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अभी स्टॉक स्पेसिफिकली मैं बात कम कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी करेक्शन हो जाए तभी जो है कुछ अच्छे शेयर्स जो है ढूंढे जाए। हालांकि जो लॉकडाउन पीरियड के लिए मैंने 3 शेयर्स की जो वीडियो वो आपके साथ डाल दी है, तो अभी आगे भी जो है मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और वीडियो आप इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।